हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय मैथ्स क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2। इन एक्सरसाइज 9.2 टॉपिक है एएम एंड पीएम। ये जो टाइम है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एएम एंड पीएम, बट एएम किस टाइम के लिए यूज़ करते हैं और पीएम किस टाइम के लिए यूज़ करते हैं। सो हियर टू क्लॉक, यहाँ पे बोर्ड पे टू क्लॉक्स हैं, दोनों में टाइमिंग सेम है। कितना क्लॉक है? 3 o'clock एंड 3 o'clock। बट हमें कैसे पता कि ये 3 o'clock इन द मॉर्निंग का है या नाइट का है? हाउ डू वी नो कि ये जो 3 o'clock है वो इवनिंग का है या नाइट का है? तो इसके लिए फर्स्टली वी नो दैट वन डे इज इक्वल टू 24 hours। वन डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 hours होते हैं। 24 hours व्हेन वी डिवाइड 24 इक्वल, इट मीन्स 12 hours एंड 12 hours। सो 12 hours तो होते हैं मॉर्निंग के, डे 12 hours होते हैं और 12 hours होते हैं नाइट के होते हैं। अब नाइट के 12 hours के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं और डे के 12 hours के लिए कौन सा यूज़ करते हैं? वी नो दैट देर आर 24 hours इन ए डे, 12 hours आर फॉर द डे एंड 12 hours फॉर द नाइट। 12 o'clock, 12 o'clock एट ए मिड नाइट, जब मिड नाइट का कितना टाइम हो? 12 o'clock हो, रात का 12 o'clock हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मिडनाइट। मिडनाइट 12 o'clock इन द डे इज कॉल्ड नून। जो 12 o'clock नाइट का होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडनाइट, एंड जो 12 o'clock मॉर्निंग का होता है आफ्टरनून का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं नून। तो नाइट के 12 o'clock से, नाइट के 12 o'clock टू आफ्टरनून का जो 12 o'clock तक जो टाइम होता है वो होता है एएम। कौन सा टाइम होता है? एएम टाइम होता है। एंड आफ्टर 12 नून एंड मिड नाइट वो टाइम कौन सा होता है? पीएम टाइम होता है। 12 मिड नाइट, 12 मिड नाइट टू 12 नून, 12 नून कौन सा टाइम होता है? एएम। ओके, फिर नेक्स्ट सेम 12 नून टू मिडनाइट के पहले तक का टाइम कौन सा होता है? पीएम। ओके, सो एक्सरसाइज 9.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइम यूजिंग एएम एंड पीएम फॉर द फॉलोइंग। कि आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आपको टाइम है ये एएम का है या पीएम का है। फर्स्ट टाइम 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग 6 o'clock इट मीन्स मिडनाइट से 6 o'clock मॉर्निंग का है, तो वो कौन सा टाइम होगा? पीएम। तो वो होगा 6 a.m. 12 मिडनाइट टू मॉर्निंग, तो वो होगा 6 a.m. ओके, नेक्स्ट टाइम 10 8 नाइट, नाइट का टाइम इट मींस आफ्टरनून के बाद का है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? 10 पीएम। नेक्स्ट है 8:15 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग का टाइम है, इसके लिए होगा 8:15 a.m. 4:15 एट नाइट, 4:15 एट नाइट इट मीन्स 12 मिड नाइट के आफ्टर है, तो यहाँ पे भी आएगा am। 10:15 नाइट, नाइट का टाइम है कितना? 10:15, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको 2 ऑप्शंस में जो ऑप्शन आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट है उस पे हमें टिक करना है। आई वेक अप यानी मॉर्निंग का टाइम हो गया, इट मींस मॉर्निंग के टाइम के लिए हम किस पे यूज करते हैं? एएम, तो हम किस पे राइट टिक करेंगे? एएम। नेक्स्ट आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock, गो टू स्कूल इट मीन मॉर्निंग टाइम, ए एम। आई गो टू बेड 8:09 o'clock, बेड 8 to 9 o'clock बेड इट मीन्स नाइट का टाइम है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पी एम। ओके, सो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है ए एम एंड पी एम, कि वन डे इज इक्वल टू 24 hours होते हैं, 24 hours डिवाइड होते हैं, 12 hours होते हैं मॉर्निंग के और 12 hours होते हैं नाइट के। ओके,
के 12 आवर्स 12 मिडनाइट, नाइट का जो 12 होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिडनाइट, और दोपहर का या नून का जो होता है 12 उसके लिए यूज़ करते हैं 12 नून। तो मिडनाइट टू नून जो टाइम होता है वो होता है, इसके लिए मेंशन करते हैं एएम, एंड नून टू मिडनाइट के लिए हम यूज़ करते हैं पीएम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।